हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक पेंटिंग, नाइट पेंटिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो पेज है उसके चारों साइड्स में ऐसे मैंने यहाँ पे टेप लगा लिया है, आप देख ही सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि एक ऐसा टाइप का कोई ब्रश या फिर नॉर्मल ब्रश ऐसा भी हो, जो नॉर्मल ब्रश भी हो जाएगा तो चलेगा। तो इससे पर मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। सो इसमें अभी क्या करना है कि हमें हल्का वाटर लेना है और इसे एक्स्ट्रा वाटर निकाल लेना है। देन हम लोग को करना है कि ब्लैक कलर को हमें अपना ब्रश में अप्लाई करना है कुछ ऐसे। तो अप्लाई करने के बाद अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे कुछ स्ट्रोक्स देने हैं, तो ऐसे कुछ। सो इसे बहुत डार्क करना है, तो हमें थ्री क्या बोलते हैं उसे, बोलते हैं कि थ्री स्ट्रोक्स में, मतलब थ्री टाइम में इसे डार्क करना है हमें। तो क्योंकि एक टाइम में नहीं करेंगे हम, तो अभी पहले हमने इतना दूर ब्लैक कर लिया है, तो थोड़ा सा और ले लेंगे वाटर, देन कलर लेके यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सो मैंने यहाँ पे इतना दूर तक ही किया है। सो हमें बहुत डार्क करना है इसे, तो आप चाहें तो आप एक ही बार में ये कर सकते हैं, बट मैंने थ्री टाइम्स में किया है। तो अब हमें चाहिए ऐसा मैट कलर, ये है इसका नाम है नेवी ब्लू मैट। तो आप ये यूज़ कर लीजिएगा, या फिर आप कोई भी ब्लू कलर ले सकते हैं, डार्क ब्लू भी ले सकते हैं, कुछ ऐसा स्काई ब्लू भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे आपको नेवी ब्लू प्रेफर किया है। तो आप ये भी ले सकते हैं, बिकॉज मैंने भी यहाँ पे यही लिया है। सो अभी मैं यहाँ पे इसे ब्लेंड कर रही हूँ। देन यहाँ से हमें क्या करना है कि ब्लैक से मीन्स ऐसे करके हमें पूरे ये नीचे तक पहुंचाना है। बिकॉज ऑफ टेप हमें एक प्रॉफिट मिलता है इसमें कि हमारा, देखिए यहाँ पे साइड में चला जा रहा है तो कुछ नहीं होगा। तो आप टेप इसमें लगाएंगे तो आपका ये प्रॉफिट होगा इसमें, बिकॉज साइड वाला आपका मेसअप नहीं होगा। तो मैं और भी वाटर लेके उसे ब्लेंड कर लेती हूँ, और उसके बाद अभी ये थोड़ा इतना दूर तक हमें पहुंचाना है। तो ऐसे हम देखते हैं, ऐसे कुछ ऐसा कलर लगेगा ये, बिकॉज हमें थ्री स्ट्रोक्स में करना है, तो ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे अभी यहाँ तक की हूँ। सो अब हम लेंगे वापस से ब्लैक कलर। सो ब्लैक कलर के पहले हम क्या करेंगे, हल्का सा वाटर में इसे डिप करके इसे एक्स्ट्रा वाटर निकाल देंगे, और देन अब हम लोग इसे ब्लैक लेंगे। आप सनसेट का भी बनाना चाहें तो मैं आपको इसी टाइप का एक और वीडियो दे दूँगी, तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो अब ब्लैक मैंने ले लिया है ऑलमोस्ट। देन अब हमें क्या करना है कि ये वाला ब्लैक, देखिए अब एक्स्ट्रा डार्क हो रहा है, आप देख सकते हैं। सो ये वाला जो डार्क कलर है वो इससे तो ज़्यादा बेटर लग ही रहा होगा आपको। तो धीरे धीरे हमें ऐसा करते जाना है। सो ये देखिए आप। सो अभी अब हम लोग एक ही बार में सेकेंड शो भी ले लेंगे, थोड़ा सा वाटर को लेंगे, देन उसे ऐसे करेंगे, देन हम लोग अब ब्लेंड कर लेंगे इसका कलर्स। देखिए यहाँ पे और डार्क हो रहा है ये। ये नीचे जा रहा है, आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे गलती कर दी है,
मैंने ये जानबूझ के किया है बिकॉज हमें नीचे तक ये थोड़ा लेके जाना है, बिकॉज हमको ये मिक्स करना है। तो ऐसे ऐसे कुछ। अब हमें लेना है ब्लू, नेवी ब्लू, जैसे मैंने आपको बोला था। सो अब मैं ये ब्लू ले रही हूँ, देन इसे ब्लेंड कीजिएगा आप। ब्लेंड करके यहाँ पे आप जो ब्लैक मैंने किया है यहाँ पे, उसके ऊपर भी जो ब्लू है आप उसमें शो कर दीजिएगा। ऐसे ब्लेंड करना है हमें सिंपली। देखिए बाहर जा रहा है तो ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे टेप लगा हुआ है सिंपली। तो मैंने और भी थोड़ा सा नेवी ब्लू लिया है यहाँ पे, आप देख ही सकते हैं अभी मैं ले ही रही हूँ। सो अभी और भी ले के मैंने ये थर्ड स्ट्रोक इसमें दे दिया कुछ ऐसे। तो थोड़ा सा आप वाटर लेके, थोड़ा सा वाटर मीन्स वन ड्रॉप जितना, इसमें और ब्लेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये नीचे तक हमें जाना चाहिए, नीचे तक कम से कम ये जाना चाहिए। तो आप देख ही सकते हैं अभी तक ये ऐसा दिख रहा है। तो अब हमें थोड़ा सा और वाटर लेके यहाँ पे ऐसे करके और नीचे तक पहुँचाना है। थोड़ा सा आप यहाँ पे डार्क भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। तो ये अपनी नीचे तक, थोड़ा सा पानी लेके वापस से ऐसे टैप कीजिएगा, देन ब्लेंड कर दीजिएगा कुछ है। सो यहाँ पे देखिए हमारा इक्वल कलर नहीं आया, तो इसे ऐसे कुछ कर लीजिएगा, मीन्स इसे भी वापस ब्लेंड करना है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे ये कैसा 3D इफेक्ट आया है। तो अब हमें वापस से और एक स्ट्रोक देना है, बिकॉज ब्लू में ज़्यादा स्ट्रोक देना होगा हमें, ताकि वो और भी ब्राइट लगे, क्योंकि ब्लैक बहुत ही डार्क कलर होता है और ब्लू इतना डार्क नहीं होता है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने वापस से किया है। ये देखिए धीरे धीरे वापस से पूरा कर दीजिएगा। ऐसे थोड़ा सा वाटर लेके इसमें आप कुछ ऐसे कर दीजिए, देख सकते हैं आप। तो यहाँ तक ही हमारा वो कंफर्टेबल रहेगा ज़्यादा, क्योंकि अभी हमें नीचे के लिए ब्लैक लेना है। तो वाटर टिप करके थोड़ा इसे वॉश कर लीजिएगा, देन इसे वाइप भी कर लीजिएगा आप। मैं वाइप भी कर ले रही हूँ, आप तब तक से एक बार और देख लीजिए, बिकॉज़ ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। अब मैंने यहाँ पे वापस ब्लैक लिया है, मैंने एक बार में ही ब्लैक ले लिया पूरा। सो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए ये ऐसे ऐसे करके हम यहाँ से पेंट कर देंगे ब्लैक। देखिए ये बहुत ही इजी वे है एक माउंटेनी कुछ स्लोप ही बनाने का। मीन्स अगर आपको कोई स्लोप बनाना हो, तो अगर आप ये खुद से मीन्स आपसे नहीं हो रहा है पेंट ब्रश से, तो आप पहले क्या कीजिए
कि पहले ही आप उसे अपना पेंसिल से ड्रॉ करके रख लीजिए, देन उसे आप पहले वो पेंट कीजिए, फिर ये अपना बैकग्राउंड पेंट कर सकते हैं आप। सिमिलर भी है, बट ब्लैक को आपको पहले करना होगा ये वाला। देखिए ये मेरा 2 times में बहुत डार्क हो गया है और ये इनफ है, आप देख ही सकते हैं। अब मैं अपना ब्रश चेंज कर रही हूँ, अब मैं ये वाला ब्रश ले रही हूँ। आप अगर चाहें, आपके पास अगर ये वाला ब्रश नहीं है तो आप पूरा पेंटिंग में यही वाला नॉर्मल ब्रश ले सकते हैं। सो ये सिंपल वे है मेरे हिसाब से, बिकॉज़ वो फ्लैट ब्रश से हमारा वर्क इजीली हो जाता है। सो अब मैंने यहाँ पर ब्लैक लिया है, तो आप यहाँ पे एक ट्री भी बना सकते हैं, तो मैं आपको ट्री का ब्रांच बना के 1 minute में दिखाती हूँ। मीन्स अभी मैं आपको चुटकी में बस ट्री का ब्रांच बना के दिखा देती हूँ और उसका ट्रंक भी बना के दिखा देती हूँ। देखिए 1, 2, 3 गो। देखिए हमारा ट्री बन के रेडी है। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक मून बनाना है, तो मैं आपको अब एक यहाँ पे मून बना के दिखाती हूँ। 1, 2, 3 गो। देखिए हमारा मून भी रेडी है, अब मैं आपको इसका सेलो टेप निकाल के दिखाती हूँ। सो गाइज देखिए इसका टेप निकलने के बाद ये एक बहुत अच्छा सा सीनरी जैसा लग रहा है, तो आप ये अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप कोई भी क्रेयॉन्स से भी ये बना सकते हैं, बट मैंने पेंट से बनाया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा खाली एरिया रखा था, बिकॉज ये वाइट से उसका थोड़ा सा वो क्लाउडिश फील आता और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो आप भी ये बना सकते हैं। सो बाय गाइज।